अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। या दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑनर के एक फोन की अनबॉक्सिंग, जो कि है ऑनर 7C। दोस्तों बताते चले आपको, ये पाकिस्तान में आज ही अवेलेबल हुआ, हमारा चैनल पहला होगा पाकिस्तान में जो आपको इसकी अनबॉक्सिंग दे रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर मैं दूंगा आपको इसका थोड़ा बहुत रिव्यू और बताएंगे बात करेंगे प्राइस की। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, लेट्स जंप टू द वीडियो। दोस्तों ये है ऑनर 7C कैप्चर मोड और रियर साइड पे है वारंटी कार्ड। अब करते हैं इसको अनबॉक्स कटर से। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फ़ोन आपको पसंद आया कि नहीं। इसको करते हैं जल्दी रैपर ऑफ। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमें एक्सेसरीज़ क्या मिलती हैं। एक्सेसरीज़ में सबसे पहले हमें मिलेगा एक सिम इंजेक्टर टूल, जो कि सिम को निकालने के इंजेक्टर टूल होता है, निकालने के इस्तेमाल होता है। और हमें एक मिलेगा सबसे पहले इसमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक मैनुअल बुक। यहाँ दोस्तों ये है मैनुअल बुक, इसके साथ कवर कोई नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। और एक मिलता है चार्जर, जो कि आता है 1 एम्पियर और 5 वाट के कैपेसिटी के साथ। और हमें मिलता है इसके अंदर एक हैंड फ्री, बस ठीक है, नॉर्मल हैंड फ्री है। और मिलता है 2.0 माइक्रो USB चार्जर। ये फास्ट चार्ज नहीं करता। अब बात करते हैं फ़ोन की, तो फ़ोन को करते हैं रैपर में से ऑन, निकाल के ऑन। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, मेटालिक बिल्ड है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इसके जो रियर साइड पर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे करते हैं पहले फ़ोन को ऑन। तो गाइस फोन ऑन हो रहा है। मैं साथ साथ आपको ये बता चलूँगा मार्केट में इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है 20,000 रुपये की। ऑनर की तरफ से काफ़ी बैलेंस डिवाइस दी गई है। कैमरा रिव्यू आपको इन फ्यूचर मिल जाएगा। मेटल बिल्ड मिलता है, साइड पर ऑन ऑफ की मिलती है, वॉल्यूम रॉकर्स कीज़ मिलती हैं आपको, और नीचे मिलता है माइक्रो USB जैक, 3.5 mm जैक और स्पीकर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 8.0 ओरियो में मिलता है ऑनर 7C। आपको प्रोसेसर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 450 का, और 3GB रैम, 32GB रोम मिलती है। पिक्सल देखने को मिलते हैं 720x1440। ये एक नॉर्मल HD फ़ोन है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले की तरफ से अच्छा मत समझिएगा, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी बेहतर दी। अब बात करते हैं इसके अंदर ऐप्स की, तो इसके अंदर आपको बिल्टन मिलती हैं, गेम्स कोई डाउनलोडेड मिल रही होती हैं, और फेसबुक भी आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। कैमरे की बात करेंगे तो रियर कैमरे में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन देता है ये। तो भी आपको कैमरा रिव्यू में बताएंगे कि इसके अंदर आपको कैमरा कितना अच्छा मिल सकता है, कितना नहीं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होता है, डेप्थ फैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, पोर्ट्रेट मोड के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट कैमरे की बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। सो स्माइल प्लीज़। जी हाँ दोस्तों, पार्ट ऑफ अ वीडियो, जो कि इज़ अ पार्ट ऑफ अ वीडियो। अब बात करते हैं ऑल ओवर इसके लुक्स की, तो इसके अंदर आपको गैलरी भी काफ़ी, गैलरी के अंदर पिक्चर को जाकर देखें तो पिक्चर्स काफ़ी बेहतर मिल रहे होते हैं। तो कैमरा रिव्यू के लिए प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा अगले कैमरा रिव्यूज़ का। यहाँ दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। मुझे याद रखिएगा अली अब्बास मास्टेक से, कंटिन्यू करते अपनी वीडियो की। दोस्तों इसमें मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल डेप्थ फैक्ट कैमरा, साथ मिलती है डुअल टोन LED फ्लैश, रियर सेट पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक और नॉइस कैंसिलेशन माइक।
जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग ऑनर 7C की लेके। मुझे ये फोन कदरे बेहतर लगा जो कि इस प्राइस रेंज में आ रहे होते। इसमें आपको फेस अनलॉक मिल रहा होता है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिल रहा, लेकिन फेस अनलॉक में थोड़ा सा मुझे ये इशू आया कि मैंने जब फेस रिकॉग्नाइज किया तब मैंने बैक साइड पर लाइट ऑन कर दी थी, उसके बाद मैंने लाइट ऑफ करके अनलॉक करने की कोशिश की, तो लेकिन इसे टाइम लिया रिकॉग्नाइजेशन के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्राइस बजट में अगर हमें फेस अनलॉक मिल जाता है, 6 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, डिस्प्ले का साइज अच्छा मिल जाता है, फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है, रियर साइड पर डुअल कैमरा मिल जाता है, तो फिर भी हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। इस फ़ोन का आपको जा बजा मैं रिव्यू देता रहूँगा मेरे चैनल पर, क्योंकि जैसे Y7 प्राइम और P20 लाइट का मैंने आपको बहुत सारा रिव्यू दिया, इसके भी आपको रिव्यू मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस की, तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको मिलता है 20,000 रुपए की रेंज में। इस रेंज में आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। मैं तो ये कहूंगा ये वर्ल्ड 4 हो सकती है मोबाइल इंडस्ट्री में, कि 20,000 रुपए की रेंज में आपको वो चीजें, वो स्पेक्स मिलने वाली हैं जो कि फ्लैगशिप फोन से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, बड़ा डिस्प्ले, रियर साइड पे डुअल कैमरा। सो गाइज, इंतजार किसी बात का मत कीजिएगा। मेरा ये ओपिनियन है कि ये मेटल लुक वाला फ़ोन, या मतलब इसके अंदर आपको ये बताता चलूँ कि जो ऊपर और नीचे के जो एंटेना है ये प्लास्टिक के होते हैं, बाकी रियर साइड मेटल है, ब्रश है, आपका फिंगरप्रिंट का निशान नहीं पड़ता, दूसरा इस पर स्क्रैच कम नज़र आते हैं आपको, तीसरा ये कि ये कदरे मजबूत है बाकी कंपनीज की निस्बत। जैसे कि Huawei का Y7 प्राइम का मैंने रिव्यू दिया था कि प्लास्टिक केस है, आपको नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों फ़ोन को कंपैरिजन कर सकते हैं। स्पेक्स वाइज सिर्फ Y7 प्राइम और इसमें डिफरेंस है सिर्फ प्रोसेसर का। इसके अंदर आपको 450 का प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का, और जो Y7 प्राइम है उसमें आपको मिलता है 1.8 ऑक्टा कोर का 430 का प्रोसेसर, जो कि 28 नैनोमीटर का बना होता है। ये बना हुआ है 22 नैनोमीटर पर, थोड़ा बहुत काम सही करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग, हैवी लोड गेमिंग यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको ये फ़ोन रेफर नहीं करूँगा। अगर आप नॉर्मल गेम यूज़र हैं, आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज चाहिए होता है, तो फिर ये फ़ोन आप बाय कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अली अब्बास मास्टेक से अगले रिव्यू के साथ हाजिर होऊंगा।